तो मित्रों यहाँ पर जब भी पूजा होती है तो ये कौवा अपने आप आ जाता है, माना जाता है गुल्ली देवता जी के चाकर के रूप में कौवा आ जाता है अपने आप ही, रक्षक अंग रक्षक ना। आठ बजे जाके 10 बजे हम पहुंच जाते थे इतना चल के भी। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बबली पंत कुमाऊनी कल्चर पे। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ अपने मायके से, और आज हमारी है हमारे इष्ट देवता जी के मंदिर में कथा। उसके लिए हम लोग जाने लग गए हैं मंदिर में, आगे से आ रहे हैं मेरे पापा जी, पीछे से हम सब लोग जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा एरिया, पूरा व्यू और मंदिर, सुंदर मंदिर दिखाऊंगी। हमारे इष्ट देवता जी श्री गुल्ल देवता जी हैं, मैं वहाँ का सुंदर मंदिर आपको दिखाऊंगी, वहाँ के दर्शन आप लोगों को कराऊंगी। आप लोग प्लीज़ हमारी पूरी वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलिए चलते हैं। ये देखिए मित्रों, ये मेरे मायके के खेतों का सुंदर नज़ारा, खेतों के रास्ते, और जो नीचे मैंने आपको नदी दिखाई इसको कुलूर बोलते हैं, इसके रास्ते हमको जाना है ऊपर रोड में, फिर वहाँ से हम रोडी रोड जाएंगे, मंदिर रोड के पास ही है, आप लोग बने रहिए। ये देखिए मित्रों, मैंने डलिया में रखा हुआ है सारा पूजा का सामान, और डलिया सब में रख के मैं ले जा रही हूँ। तो मित्रों हम लोग जा रहे हैं अपने इष्ट देवता जी के मंदिर में, रोडी रोड जा रहे हैं, हमको थकान लग गई, यहाँ पर बैठ गए हम लोग। ये देखिए यह वैभव, नमस्कार। तो मित्रों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इष्ट देवता श्री गुल्ल देवता जी के मंदिर में, और यहाँ के हमने आप सबसे पहले बनानी है प्रसादी, और पापा जी लोग और पंडित जी लोग बनाएंगे, रखेंगे पूजा की सामग्री, उसके बाद होगी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। आप लोग वीडियो में बने। ये रहा
ये देखिए मित्रों, यहाँ पर है गुल देवता जी की धुनी, और यहाँ पर जो भाभी लोग आए हुए हैं भोपाल से, उनका हो रहा है गौदान। इसके बाद हमारी होगी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मित्रों, यहाँ पर जब भी पूजा होती है तो ये कौवा अपने आप आ जाता है, माना जाता है गुल देवता जी के चाकर के रूप में कौवा आ जाता है अपने आप ही, रक्षक, अंग रक्षक ना। यहाँ पूजा जब है ना, कौ जरूर आ जाए अपना। हाँ फिर दिखते नहीं है ना कौवे, वो देखो। और ये देखिए मित्रों, यहाँ मंदिर के जस्ट बगल में ये मंदिर है, थोड़ा सा ही नीचे पर ये गाढ़ है नदी। यहाँ पर पूजा से पहले हाथ पैर धोने के लिए ये पानी हो जाता है। वैसे पानी की व्यवस्था ऊपर टैंकी भी है, वहाँ अगर सूख गया तो ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, कोई अशुद्ध नहीं है। तो हम लोग यहाँ हाथ पैर धो के अब करेंगे पूजा। आप लोग बने रहिए। समाज पदमानोच्य निश्र बाबा भवंतुते ओम श्री फतेह लक्ष्मी सुवर्णाम बहुराप्ते पार्श्वे नक्षत्राणि रूमसनो व्याप्तु ममिखाणाम सर्वलोकमिषाणाम आयुष्मती सौभाग्यवती पुत्रवती चंदानीवती भवाः। ओम भद्रमस्तु श्रीन्द्रास्तु महालक्ष्मी श्रीतो सवत्ना दुग्रा बापा दुष्ट सत्ता वर्धवा तमाल पटमालोक्य निश्र बाबा भवंतु दे। ओम अम्बे अम्बालिके नमानि यति शुभश्रीकां कांपीलवासिनं कुमारी देव्ये नमः। श्रीन्द्रास्तु महालक्ष्मी श्रीतो रक्षन तत्वास्तादेवा संबदतु सर्वदा शबत्ना दुग्रावापा दुष्ट सत्वा वर्धवा तमाल पटमालोक्य निश्र बाबा भवंतु दे। अब मम्मी है जगह। ओम श्री फते लक्ष्मी स्वर्णाम बहुमशनो व्याप्तु ममिखाणाम सर्वलोकम इषाणाम आयुष्मती सौभाग्यवती पुत्रवती भवः। लक्ष्मी स्वर्णाम बहुराप्ते पार्श्वे नक्षत्राणि रुमस्तु व्याप्तु ममिखाणाम सर्वलोकम इषाणाम आयुष्मती सौभाग्यवती मनर्यास्पतिः बृहस्पति सर्वगणकं स्वस्ति स्वस्य आदित्यासो भव गङ्गाद्या सरित सर्वा क्षेत्रान् जलान् आयान्तु नः यजमानस्य दूताख्याय कारका पाम उदयव्यापिन्यहम् उदयव्यापिन्यां वैशाखी पौर्णमास्यां शुक्लचतु विशेषां भारद्वाजसु मन्यस्य मिथुनराशि भवाकिषु शर्मा सभाधिकस्य जीवाय फलप्रादार्थं तथा विशेषा भारद्वाजसु मन्यस्य वैशराशि वैभव शर्मणः ज्येष्ठपुत्रस्य जीवाय फलप्रादार्थं तथा विशेषा भारद्वाजसुत्पन्नाय कन्याराशि लिङ्गानाम्नि कन्याया जीवाय फलप्रादार्थं तथा विशेषा भारद्वाजसुत्पन्नाय भारद्वाज गोतुत्पन्नस्य सिंहराशि मनोज कुमार शर्मा सबनिगच्छ दी गायफल प्राचार्थं तदा विशेषा भारद्वाज गोतुत्पन्नस्य।
ये देखिए मित्रों, यहाँ पर गणेश पूजा वगैरह हो चुकी है। अब हो रहा है आप देव में आप नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए उठ जाती हूँ। मेरे पंत जी करेंगे। आप देव का मतलब पितरों का जो पूजा होती है पितरों की, वो होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर हम करेंगे सत्यनारायण भगवान जी की कथा। आप लोग बने रहिए वीडियो में। ओम देवा गजन्माशी तंबे प्रभुसोत्तमा प्रति यक्ष अर्घोयम प्रति गिरा फूल पीछा चढ़ा दियो गंधर्व द्वारा राजस्थान यदि पुष्टांग करी पूर्णता अष्ट पूजी अपन पकड़ो प्रबंतो यजमान शीघ्र ही प्रजम भवंतु प्रबंतो ओम जदाम ओम जदाम ओम जदाम महाम ओम सदराशि दीदी राशि ज्योति मृता शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगौ शांति सामा शांति रेदी शांति सुशांति पूर्ण पाँच डालो पाँच डालो और बरोड़ा से रजन सजन मसी बरोड़ा शादी। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर हो रही है नवग्रह पूजा। ओम इमं देवा अस्मद् गौं सुभद्रं मते क्षत्राय मते ज्येष्ठाय मते जनराजाय इन्द्रिषे इन्द्राय यमुखे पुत्रमहे सोमो समर्पयामि नमः। लो यज्ञो पवित्रम महा वेद सूत्र समायुक्त है यज्ञ साम समन्वित है सर्व वर्ण प्रदेश यज्ञो नम कंठम पूजामि ओम सहस भावे नम बाहु पूजामि ओम योगिनी नम चक्षुम पूजामि ओम उर्गाय नम ललाटम पूजामि ओम नागेश्वराय ओम बाणाय नम ओम श्रीधराय नम ओम हरिकेशाय नम ओम पद्मनाभाय नम ओम दामोदराय नम ओम सतीनाय नम ओम वासुदेवाय नम ओम ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यांग आश्वन्यम हे आश्वन्यम दान सहसा भक्त्या मुनि नयम वैश्वानः न नामं जन्मवतं भूमौ सर्वधर्म विदाम्बरः उवासने महाबुद्धिः तद दत्ते मुनि सतमं उवासं सतसो मध्ये सर्व शिशि गणे भृताः श्री सत्यनारायण देवाय नमः। श्रोत्रां तथा लोका अगल बैनम सांगा साधा सजवानाय
श्री बोल राज पीते ही अमृत सुरपी नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ए भूषणा नमो सरंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुरवादे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रदाय सहस्रभूतपूजारिणे नमः। श्री इष्टदेवाय नमो नमः। नैवेद्यं आत्मन्यं समर्पयामि नमः। फल प्रसाद हो मनोकामना सिद्धि हो सीधा लियो आकाल मृत हरणम सर्व्याद विनाशनम विश्व बाधोदगम पीत्वा शीर्षा दाद्या में हम आकाल मृत हरणम सर्व्याद विनाशनम विष्णु बाधोदगम। तो मित्रों हमारी सत्यनारायण भगवान जी की और इष्ट देवी की पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। अब हम लोग बांटते हैं प्रसादी और खुद भी ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर को। आप लोग अभी बने रहिए वीडियो में। तो मित्रों हमारी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा भी अच्छे से संपन्न हो चुकी है और जो हम केले का पेड़ और गन्ने का पेड़ पूजा के लिए लाए थे उस पेड़ को हम यहाँ पे अब लगा देते हैं। तो हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है, अब हम सब लोग जाने लगे हैं घर को। अब हम अपनी वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। भगवान कुल देवता आप सभी लोगों के घरों में आनंद मंगल करें। इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही। नमस्कार, धन्यवाद।